स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे आ चुके हैं, जिसके मुताबिक ये पता चला है कि भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। इस लिस्ट में दो नाम शुमार हुए हैं। इतना ही नहीं, इन शहरों ने इस लिस्ट में शामिल होने का एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। आइए जानते हैं किसने बनाई जगह और कौन किस पायदान पर रहा। यूं तो स्वच्छता अभियान को लेकर सभी सरकारें पूरी तरह से अपने अपने दावे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलता है। खासकर छोटे शहरों में साफ सफाई के नाम पर जगह जगह कूड़े का अंबार लगा होता नजर आता है। हालांकि यही हाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का है, लेकिन पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस राज्य का इंदौर शहर सफाई को लेकर पूरी तरह से जागरूक है, जिसके कारण एक बार फिर से इंदौर को स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिल गया है। दरअसल गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये अवार्ड 2023 प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश ने देश का सबसे स्वच्छ राज्य के दूसरे स्थान पर पुरस्कार जीता। पिछले साल मध्य प्रदेश पहले पायदान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुरस्कार ग्रहण किया, महाराष्ट्र ने पहला और छत्तीसगढ़ ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई। महू कैंटोनमेंट बोर्ड को देश का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार मिला। इसके अलावा पश्चिम जोन में 50,000 आबादी वाले शहरों में बुध ने, स्वच्छ राजधानी में भोपाल के अलावा अमरकंटक शहर को भी पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि इंदौर को लगातार सातवीं बार ये अवार्ड मिला है। राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को देश के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश को कुल 6 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC News।